हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम। उसके ड्रॉबैक देखेंगे, इसके अलावा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसके क्या क्या कंक्लूजन्स निकले थे, एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे रदरफोर्ड मॉडल पर बेस्ड, और इनके ड्रॉबैक को देखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे न्यूट्रॉन्स के विषय में। ठीक है, क्योंकि पिछला क्लास में मैंने आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बताया था एनोड रे वाला कॉन्सेप्ट में और कैथोड रे वाला कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, आज हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, देखो ये बहुत ही आसान मॉडल है, क्योंकि थॉमसन ने क्या किया था, बहुत सिंपल वे में एटम्स को सोच रखा था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसने क्या कहा कि एटम जो है एक स्फेयर नुमा शेप में है। ठीक है ना, एटम जो है एक स्फेयर नुमा शेप में है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉजिटिव चार्जेस पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फैले हैं और ये पॉजिटिव चार्जेज हो गए। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जो थॉमसन ने इस तरह का मॉडल को बताया कि एटम का मॉडल ऐसा ही है कि चारों तरफ क्या है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट लाइक बता रहे थे कि ये वाटरमेलन की तरह है। कैसे है, वाटरमेलन की तरह। ठीक है ना, वाटरमेलन में जैसे हम लोग खरबूज खाते हैं तो देखते हो ना रेड पार्टिकल और ब्लैक पार्टिकल, तो रेड वाला जो पार्ट्स होते हैं खरबूज का, उसको ये क्या बोल रहे थे कि पॉजिटिव है, और ब्लैक वाले को क्या बोल रहे थे कि ये निगेटिव पार्टिकल्स है। ठीक है, इसको उन्होंने और भी नाम दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम दिया था या रेसिन पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। जैसे कि खीर में हम लोग देखते हैं ना किशमिश, पूरी तरह से किशमिश जो है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, और खीर में चावल के दाने, तो चावल के दाने को बोला कि पॉजिटिव पार्टिकल है, जबकि किशमिश के दाने को क्या कह दिया, निगेटिव पार्टिकल। तो ये ऐसा उस समय इनका स्टेटमेंट रहा था, किनका, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये इसवी था 1904 का, कब था, 1904। बात समझ रहे हो ना, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इनको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बताया स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, क्योंकि उस समय खोज हो चुकी थी किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। तो एटम का मॉडल किस प्रकार से हो, लोगों के मन में ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले थॉमसन ने बताया कि एटम का मॉडल कुछ इस प्रकार से है, बात समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसका लिख भी सकते हो इस मॉडल के विषय में कि थॉमसन प्रपोज दैट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, छोटा सा है मॉडल। ठीक है, इसके ड्रॉबैक भी बहुत सिंपल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे पूरा, ये सब जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या चीज का दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस, और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले पार्टिकल्स को मैंने दिखाया है, इन विच क्या कहोगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस, ठीक, जैसे भी आप बोलो, मोर और लेस यूनिफॉर्मली। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखना क्या क्या नाम हो जाएगा, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं रेसिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, रेसिन पुडिंग मॉडल, या इसके अलावा एक और नाम दिया गया था वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ये इतने नाम से जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को अंडरस्टैंड किया गया था, समझ रहे हो ना। तो इसके ड्रॉबैक निकल गए, देखो यहाँ तो अभी जितना हम लोग को नॉलेज हो चुका है एटम्स के विषय में,
ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने सारे इसके ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक का पता चलता है जब आगे का कुछ नॉलेज हमें मिलता है तो पिछला का कमी हमें दिखाई देता है कि उसने क्या कुछ कमी रखा। ठीक है, इसके तो बहुत सारे कमी, क्या कि सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि मास ऑफ एटम जो है ये क्या बोल रहा है कि स्प्रेड है एटम में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्यों? पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया था ना निगेटिव चार्ज से बहुत ज्यादा भारी होता है, राउंड फिगर में मैंने बताया था 1840 गुना भारी होता है। ठीक है ना, ये आपने देखा था 1837 को ही, मैं 1840 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो गलत हो गया, सबसे पहला ड्रॉबैक यही हो गया कि मास ऑफ एटम, पहला ड्रॉबैक क्या हो गया कि मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड इवेंटली स्प्रेड ऑफ एटम, जो कि सही नहीं है। ठीक है ना, पहला क्या हो गया ड्रॉबैक कि द मास ऑफ द एटम कंसिडर्ड टू बी इवेंटली स्प्रेड ओवर दैट एटम। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक हुआ कि जो इनका स्टेटमेंट रहा था कि मास पूरी तरह से फैला हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है ना, मास कहीं स्फेयर में जो होगा कंसंट्रेट होगा किसी जगह पे, ये फैला हुआ नहीं होगा। ठीक है ना, और दूसरा क्या इनका ड्रॉबैक रहा कि ये मॉडल को स्टैटिक बता रहे थे। क्या बता रहे थे? इट इज स्टैटिक मॉडल। क्या बता रहे थे? इट इज स्टैटिक मॉडल, इट डजेंट रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये बोल रहे थे ना इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में, जैसा इन्होंने इनका कॉन्सेप्ट रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनके अनुसार क्या था कि एक स्टैटिक मॉडल है, इसका मतलब हो गया इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? और तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा कि ये एटम की स्टेबिलिटी के विषय में कुछ भी आइडिया नहीं दे सके। ठीक है ना, तो थर्ड ड्रॉबैक याद रखोगे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो बहुत सिंपल सा मॉडल और बहुत सिंपल सा हम लोग ड्रॉबैक भी पकड़ लिए कि इनका तीन ड्रॉबैक रहा। क्या क्या और भी बहुत सारे इनके फॉल्ट्स बताए गए होंगे, उनमें मुख्य ये तीन है कि सबसे पहले तो ये गलत बता रहे थे कि मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा ये एक स्टैटिक मॉडल है ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहते हैं, और ये एटम के स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे कि फर्स्ट हो गया सेकेंड, थर्ड देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसके कंक्लूजन को समझते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, देखो ये सब आप क्लास 9 स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े हो ना क्लास 9 स्टैंडर्ड में? चलो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन ये आपका हो गया रदरफोर्ड, थर्ड वाला ले रहे हैं ना, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हमें सोर्स चाहिए। क्या चाहिए? सोर्स। ठीक है, क्या चाहिए? सोर्स किस चीज का? अल्फा रेस का। तो हम लोगों ने उस समय रदरफोर्ड ने क्या यूज किया? रेडियम ऑफ अल्फा रेस यहां से निकाला, रेडियम से क्या निकाला? अल्फा रेस। तो अल्फा रेस दैट इज आपने देखा है ना Hg2+, इसी को बोला जा रहा है। ठीक है ना, Hg2+ को, ये डबली आयनाइज्ड पार्टिकल है। ठीक है ना, देखो डबली आयनाइज्ड, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, वापस फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे देखा इमिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबली आयनाइज पार्टिकल। क्या बोला जाएगा? डबली आयोनाइज पार्टिकल, याद रहेगा ना? ठीक है, इसको उसने क्या किया, यहां से अल्फा रेस को एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल समझ रहे हो ना, एक सिंपल सा मैं आपको बना के दिखा दूं कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐसा गोल्ड फॉइल ले लेते हैं जिसका थिकनेस बहुत कम था, थिकनेस था 0.0004 mm।
इतनी पतला जो है इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, ओके, कुछ इस तरीके से। चलो इस सिंपल सा मैं पिक्चर बना रहा हूँ इस गोल्ड फॉइल का, ठीक है। ये हो गया आपका तीन गोल्ड फॉइल यहाँ पे, ये मान लो ये गोल्ड फॉइल हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया बच्चों, गोल्ड फॉइल को ऐसे मैंने यहाँ पे मान लो रख दिया, ओके। और ये जो मैंने बनाया है पूरा सरफेस, इसमें जो है इस तरह का सरफेस इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक कोटिंग लगा दिया गया था ZnS का, जिंक सल्फाइड का, ताकि यहाँ से रे जब आगे निकले इस गोल्ड फॉइल पर, यहाँ जब टकराए, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल पे जब रेज क्या हो टकराए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत सारे रेज में, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे रेज में यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। जैसे कुछ मान लो यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, इस तरीके से, बात समझ रहे हैं ना। और कुछ रेज ऐसे भी होंगे जो वापस क्या हो रहे होंगे, रिवर्स बैक हो रहे होंगे। इसको सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो ये हो गया गोल्ड फॉइल, ये क्या हो गए गोल्ड फॉइल, इसमें से कुछ अल्फा रेज, बहुत सारे अल्फा रेज जो है आए, देखो इस तरीके से, तो कुछ का डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, कुछ का डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, बहुत सारे तो सीधे निकल गए, बात समझ रहे हैं ना। कुछ का डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ ऐसे भी हो गए, बहुत किसी में लार्ज डिफ्लेक्शन भी देखने को मिला, और कुछ ऐसे भी रेज थे जो वापस क्या हो गए, रिटर्न हो गए, बात समझ रहे हैं इतना। तो ये जो रिटर्निंग हुआ, इन्होंने स्टडी किया कि करीब 20,000 रेज में एक रेज जो है वो क्या हो रहा है, बाहर वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है अपने ही डायरेक्शन में, बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने अल्फा रेज को गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराया, तो गोल्ड फॉइल में क्या हुआ कि रेस का डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, बात समझ रहे हो ना। और ये डिफ्लेक्शंस के लिए इन्होंने क्या किया था, ZnS स्क्रीन को लगा दिया था ताकि ये फील कर सके। ZnS स्क्रीन का काम क्या हो रहा था कि ये रेज जो इस स्क्रीन पे पड़ रहे थे तो स्क्रीन पे स्पार्क हो रहा था। देखा गया कि मान लो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है स्पार्किंग हो रहा है। यहाँ पे भी देखो बहुत ज्यादा स्पार्किंग हो रहा है, बहुत ज्यादा, ये सब पार्ट में बहुत स्पार्किंग हो रहा है। फिर यहाँ पे देखा गया थोड़ा कम स्पार्किंग हो रहा है, यहाँ पे भी देखा गया नीचे थोड़ा कम स्पार्किंग हो रहा है, और बीच में एक ना डार्क शैडो बन रहा था। क्या बन रहा था, डार्क शैडो। डार्क शैडो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई स्पार्किंग नहीं बन रहा। तो इन्होंने स्टडी किया कि ये जो मेटल है इसमें बहुत सारे, इसका मतलब फ्री स्पेस है क्योंकि बहुत सारे रेज कैसे निकल जा रहे हैं सीधे, कुछ में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन दिख रहा है, और कुछ रेज ऐसे भी है जो यहाँ पे सीधा टकरा के और वापस क्या हो जा रहे हैं, रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो कुछ पहुंचेगा नहीं, यहीं से रिटर्न बैक हो जाएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये रहा रदरफोर्ड अल्फा एक्सट्रैक्टिंग एक्सपेरिमेंट, ओके। और ये मैंने जो बनाया ये दोनों पार्ट, इसमें मैं कह सकता हूं कि इसको क्या बोला गया था, फ्लूरोसेंट स्क्रीन ले लिया गया, ठीक है ना, जिसपे लेयरिंग किसका चढ़ा दिया गया था, ZnS का चढ़ा दिया गया था, बात समझ रहे हो ना, क्लियर हुआ रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। तो इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक, एक तो ऑब्जर्वेशन आपको देखने में यहाँ पे मिल रहा होगा कि ये गोल्ड फाइल में बहुत सारे फ्री स्पेस होंगे तभी तो रेज जो है निकल निकल के आगे इस स्क्रीन पे जा रहा है। इसका मतलब ये पता चला कि इनके पास फ्री स्पेस है, ठीक है ना, किनके पास, ये सरफेसेस जो है गोल्ड फॉइल्स एटम हैं उनके बीच में तो स्थान होगा तभी तो ये निकल रहा है ना। तो इनका ऑब्जर्वेशन बहुत सारा रहा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा, सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल करीब करीब 99.9%, ठीक है ना, वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इनका पहला इन्होंने ऑब्जर्व किया पॉइंट कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करीब 99.9% वेंट स्ट्रेट, ठीक है ना, कैसे गए, सीधा गए, वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग, विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन,
ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फ्यू ऑफ देम गो डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, कुछ जो है स्मॉल एंगल के द्वारा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल के द्वारा डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, ठीक है। ये सेकेंड इन्होंने पॉइंट्स बताया, थर्ड बताया फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड, लार्ज एंगल भी बताया, क्लियर है ना। स्मॉल एंगल एंड सम इन लार्ज एंगल, सम इन लार्ज एंगल, ठीक है। बहुत कुछ एक रेज ही स्टडीज में किया गया लार्ज एंगल्स में, ठीक है ना, और स्मॉल एंगल्स में। और इसके बाद बताया नेक्स्ट पॉइंट कि वेरी फ्यू जो रेज हैं, वेरी फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, अब आप समझ सकते हो नहीं के बराबर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अबाउट 1 in 20,000। मान लो आपके पास 20,000 रुपीज है, कोई 1 रुपीज मांग लेगा तो आपका थोड़ी ना पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ना अभी भी मेरे पास 20,000 रुपीज है, तो ठीक इसी प्रकार आप समझ सकते हो कि 20,000 में एक रे जो है वापस डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये नंबर्स को लेके कन्फ्यूजन मत होना, कभी कभी बुक में कहीं 12,000 में भी लिखा रहता है कि 12,000 में 1 रे, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में ध्यान देना, जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो फ्यू मैंने यहाँ पे 20,000 लिखा है, ओके। तो फ्यू वेरी फ्यू अबाउट 1 in 20,000 डिड नॉट पास, डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल, थ्रू द फॉइल, ठीक है। एट ऑल, एट ऑल का मतलब थोड़ा भी नहीं, ठीक ना। तो कि 20,000 में मात्र एक रे निकल रहा है, आई मीन डिफ्लेक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से गया था, ओके। और कुछ तो मैंने आपको बताया, ऑल सफाइड एंगल लार्ज डिफ्लेक्शन मोर देन 90 इवन, ये समझ में आ गया ना। तो चलो अब ये पूरा एकदम यहां से गया और इसी डायरेक्शन से ऐसे आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसके बहुत सारे कंक्लूजन्स भी हुए, ये तो अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि रेस जो है गोल्ड फॉइल पे टकरा के कैसे वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या क्या कंक्लूजन रहा इस मॉडल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछेगा कि बताओ रदरफोर्ड ने जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनमें वो क्या क्या कंक्लूजन दिए थे, ठीक है, उनका क्या कंक्लूजन रहा एटम के प्रति। तो देखो सबसे पहला चीज क्या था कि अल्फा पार्टिकल जो है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है सीधा जा रहे थे मेटल फॉइल, ये जो मेटल फॉइल था बगैर डिफ्लेक्ट किए हुए यहाँ पे सीधा सीधा निकल रहे हैं। इससे ये मतलब होता है कि वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस जो है एटम के अंदर है, बात समझ रहे हो ना। एटम के अंदर क्या है, लार्ज स्पेस। तो देयर इज ए, पहला कंक्लूजन क्या रहा, देयर इज ए लार्ज स्पेस, लार्ज स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस कर देते हैं नहीं, लार्ज एम्प्टी स्पेस इन विद इन द एटम, विद इन द एटम, ठीक है ना। पहला कंक्लूजन याद रखेंगे, देर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, समझ रहे हो ना। दूसरा कंक्लूजन इनका क्या रहा, ध्यान देंगे। सेकेंड सेकेंड कंक्लूजन इन्होंने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल, देखो अपना क्या बोल रहा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ थ्रू मॉडरेट एंगल। सो उन्होंने कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है कंसंट्रेटेड है कहीं पर, ठीक है ना, कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है कहीं पर कंसंट्रेटेड है। तो इनका सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहा कि इट वॉज कंक्लूडेड दैट, इट वॉज कंक्लूडेड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। देखो इससे पहले जब थॉमसन मॉडल हमने देखा था तो वहां पे देखे थे ना कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे ये बातें नहीं हो रही है, ठीक है। वो राइट वाज कंक्लूडेड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत छोटे स्पेस में जो है सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है ना। और क्या कहा इन्होंने, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल, समझ रहे हो ना। जो कि आज आप जानते हो ना, अगर ये एटम है तो ये छोटा सा स्पेस में जो है टोटल पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा, ओके।
तो चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड बाय दिस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन एटम। ठीक है, एक इनका ये भी कंक्लूजन रहा। ओके, तीसरा कंक्लूजन क्या रहा कि बहुत फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रांग डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिटर्न्ड हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? रिटर्न्ड हो जा रहे हैं। ओके, जैसे स्ट्रांग जो रिफ्लेक्शन मैं बता रहा था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन वर्ड यूज करूंगा, वो 90 डिग्री या 180 डिग्री के अकॉर्डिंग था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रांग डिफ्लेक्शन दिखा कुछ अल्फा पार्टिकल में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे थे? ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहे थे कि न्यूक्लियस इज रिजिड। क्या इंडिकेट कर रहे थे? न्यूक्लियस इज रिजिड। बात समझ रहे हो ना? इनके अनुसार न्यूक्लियस क्या थे? रिजिड थे, एंड अल्फा जो पार्टिकल्स थे वो रिकॉइल हो जा रहे थे ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन। ठीक है ना? ड्यू टू दिस क्या हो रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो हो जा रहे थे रिकॉइल हो रहे थे ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन, ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन। ठीक है, कहने का मतलब वापस आ जा रहे थे ना पीछे, जिस डायरेक्शन से गए थे, विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। याद रखोगे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मास। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनका क्या रहा? अपना एक कंक्लूजन रहा। ठीक है, समझ में आया ना ये? अब देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हुए, तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल। तो देखो बच्चों क्या क्या एप्लीकेशन जो है रदरफोर्ड मॉडल के हुए, चलो हम लोग इसको समझते हैं। तो देखो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सट्रैक्टिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया मॉडल ऑफ एटम जो कि न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहलाया। ठीक है ना? क्या कहलाया बच्चों? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। अब इनके अनुसार क्या हुआ? इन्होंने तो बता दिया कि न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है, तो इनका पहला एप्लीकेशन क्या रहा कि इन्होंने बताया कि एटम जो है कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटोन एंड प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? अब देखो आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा ये न्यूट्रॉन्स के विषय में, तो हमें पहले न्यूट्रॉन्स के विषय में आइडिया देना चाहिए था। कोई बात नहीं, भी मान के चलो कि ये जो न्यूट्रॉन है 1920 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले रदरफोर्ड के विषय में हम बात करेंगे। तो रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि किसी एटम में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा जो है एक थर्ड टाइप का पार्टिकल्स है। ठीक है ना? 1920 में सजेस्ट किया था, तो उसके बाद जो है ये सजेशंस पे वर्क हो रहा था, और वर्क होते होते 1932 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे चैडविक नाम के, उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा दिया था बेरिलियम के सरफेस पे। किस पे सर किस सरफेस पे? बेरिलियम के सरफेस पे। और फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और वहीं पर इस पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया था? न्यूट्रॉन्स रखा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 1920 में सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, सजेस्ट किया था कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के अलावा एक तीसरा भी पार्टिकल है। ठीक है ना? जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोटोन के साथ होंगे, जिसका मास जो है करीब करीब प्रोटोन के मास से बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना? उसी का नाम जेम्स चैडविक के स्टडी के बाद क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है ना? तो सजेशन कौन दिए? रदरफोर्ड ने दिया 1920 में, और 1932 में ये एक्सपेरिमेंट हो गया चैडविक के द्वारा, और पता चला कि एक थर्ड टाइप का पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ, न्यूट्रॉन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि बाद में ना पढ़ाना पड़े, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो देखो न्यूट्रॉन का सिंपल सा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेरिलियम एटम पे मान लो कि अल्फा रे का प्रहार कराया गया। समझ रहे हो ना?
अल्फा पार्टिकल समझ रहे हो ना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, Hc2+, इसका मतलब 2+ चार्जेज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 2+ चार्जेज, और इसके मास जो होते हैं 4 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड यूनिट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बेरिलियम एटम पे प्रहार कराया, बीई एटम, ठीक है, बीई एटम का मास जो होता है, एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है, ठीक है, सॉरी बेरिलियम 4 एटॉमिक मास नहीं होगा, एटॉमिक नंबर होगा ये ना, चलो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, और इसकी मास जो होती है बच्चों, ये 9 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट होता है, उस समय के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, इसीलिए AMU ही लिख रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हुआ, ध्यान देंगे कि इस तरह का न्यूट्रॉन की खोज हुई, जो हीलियम है 2 4, ये बेरिलियम के साथ, बेरिलियम हो गया 4 9, बेरिलियम क्या हो गया 4 9, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है कार्बन C6 12, अब प्लस एक पार्टिकल बनाया जिसके पास क्या है, मास कितना है, प्रोटॉन के मास के बराबर है, कुछ इस तरह का उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया, ठीक है, और इसकी चार्ज क्या बता दी, 0 बता दी, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराया गया, ये क्या कराया गया, एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराया गया, जिसके बाद पता चला कि एक थर्ड टाइप के पार्टिकल्स हैं जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन, बात समझ रहे हो ना, और इसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के करीब करीब बराबर है, तो प्रोटॉन का मास के करीब करीब बराबर बताया गया 1.675 × 10²⁴ ग्राम, बात समझ रहे हो ना, या आप इसको किलोग्राम में लिखोगे तो 1.675 × 10²⁷ किलोग्राम हो जाएगा, ओके। तो बताओ ये मास किसके बराबर आपको दिख रहा है, प्रोटोन के मास के बराबर, या हाइड्रोजन एटम के मास के भी बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन में भी आप देख रहे हो एक प्रोटोन है, ठीक है ना, लेकिन इसके पास नो इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो ये कहानी यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया, किसके विषय में, न्यूट्रॉन के विषय में। चलिए अब हम लोग ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है, जो एप्लीकेशन रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के विषय में क्या क्या कुछ कहा, अब आपको आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि आपको न्यूट्रॉन्स के विषय में भी आइडिया हो गया। तो देखो पहला स्टेटमेंट इसने क्या बोला, मैंने आपको बताया ना कि इनका जो एप्लीकेशन था, कि बोला कि एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, क्या बोला इन्होंने कि एन एटम, चलो पॉइंट करेंगे, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बोल देंगे यहां पे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, वेयर ऑल प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब समझ में आ गया ना, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी, कि किसी एटम में के पास प्रोटॉन के साथ साथ कौन है, न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली जो है न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, याद रहेगा ना, तो याद रखोगे ये हो गया न्यूक्लियॉन्स, हो गया प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन्स। दूसरा क्या इनका रहा, ये एप्लीकेशन समझना, इन्होंने बोला कि द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल बोले तो बहुत एकदम माइनट फ्रैक्शन, एकदम मिनट फ्रैक्शन जो समझ रहे हो ना एटम का, जस्ट लाइक दैट। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर जो है उनका जो ऑर्डर है 10²⁻²⁰ to 10²⁻³⁰ के आसपास, बात समझ रहे हो ना, और ये जो एटम का जो डायमीटर, ये न्यूक्लियस का डायमीटर बताया, किसका डायमीटर, ये सब सवाल जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा बताया कि जो डायमीटर ऑफ एटम है, जो एटम का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ एटम, ठीक है, ये करीब करीब बताया 10²⁸ सेंटीमीटर, बात समझ रहे हो ना, इसके आसपास। तो इसने अपने एप्लीकेशन में कहा कि डी ऑफ एटम, डी ऑफ एटम का मतलब डायमीटर ऑफ एटम, एंड डी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये 10²⁸ / 10²⁻³ कितना है,
टेन टू द पावर माइनस एट अपॉन टेन टू द पावर माइनस थर्टीन। इसीलिए याद रखना कि डायमीटर ऑफ एटम जो होगा, डायमीटर ऑफ एटम, इसको आप इसको काटोगे इससे तो ये माइनस थर्टीन ऊपर चला जाएगा, तो टेन टू द पावर प्लस फाइव होगा, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इंटू टेन टू द पावर फाइव होगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड एप्लीकेशन इन्होंने बता दिया कि एटम का जो डायमीटर होता है वो न्यूक्लियस के डायमीटर का कितना गुना होता है, टेन टू द पावर फाइव गुना होता है। बात समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटे होंगे किसके कंपैरिजन में, एटम के डायमीटर के कंपैरिजन में। देखो टेन टू द पावर फाइव गुना छोटे हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो एटम का डायमीटर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के डायमीटर का टेन टू द पावर फाइव गुना बड़ा हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ एटम इज टेन टू द पावर फाइव टाइम्स डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इनके सेकेंड एप्लीकेशंस रहे। ठीक, चलो यहाँ पे एक चीज और डिस्कस मैं आपको कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा। देखो ये सब बेसिक चीज है, अगर आपको समझ में आता है, पहले आपने सीखा है, तो आप ये फर्स्ट सेकेंड लेक्चर को स्किप करके थर्ड लेक्चर से पूरा कंटिन्यू करेंगे, वहां पे आपको बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा सीखने को। ठीक, चलो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, नोट में याद रखोगे। देखो बच्चों, नोट में याद रखना कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लेना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल इससे बन सकते हैं कि रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, इसलिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हो ए पे पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब हुआ किसी भी संख्या पे पावर 1/3। ठीक है, तो आर बराबर आप लिख सकते हो आर नॉट, ये प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो ए पे पावर कितना 1/3। यहाँ पे बताओ क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे आर नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर नॉट की जो वैल्यू होगी ये फिक्स होगी, और ये फिक्स वैल्यू जो होगी 1.33 इंटू टेन टू द पावर माइनस 30, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को, और एटम का मास नंबर निकालने के लिए आपको प्रोटोन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास पे दिमाग लगाना होगा, और ये कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो यहां से सवाल बनाया जा सकता है ना कि किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस, यदि आपको मान लो बोला जाए फाइंड करने, तो आप क्या करना, 1.33 इंटू टेन टू द पावर माइनस 13 को मल्टीप्लाई कर देना क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक ना, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर या तो आप ऐसे लिखो, या फिर 1.33 इंटू टेन टू द पावर माइनस 13 इंटू ए पे पावर 1/3, और ये जो यूनिट होगा बच्चों वो क्या चीज में होगा, सेंटीमीटर में होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद इनके जब एप्लीकेशंस इन पे, इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर जब हम लोगों ने सोचा कि और क्या क्या किया जा सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे थर्ड, ध्यान देंगे थर्ड पॉइंट पे, इन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में बताया कि एटम की वॉल्यूम और न्यूक्लियस की वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये बताया 10^15 होता है। क्या होता है, 15, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ एटम 10^15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये भी इनका कॉन्सेप्ट रहा। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 10^15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो इसने क्या कहा कि देयर इज ए एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, इस पार्ट में क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि देयर इज ए एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे क्या होंगे, एम्प्टी स्पेस होंगे,
ठीक है, ये मान लो न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या हैं, एम्प्टी स्पेस, और उसी एम्प्टी स्पेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये तो मॉडल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिंपल मॉडल पे आते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टडी किया, समझ रहे ना। तो बोला क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्या बोला कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल स्टेट में वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। तो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम जो हो गया अब रिस्पॉन्सिबल हो गया फॉर द मास ऑफ एटम के लिए, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिस्पॉन्सिबल हो गया वॉल्यूम के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या मैंने बोला, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम जो हो गया, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम, बताओ ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम जो हो गया रिस्पॉन्सिबल हो गया मास ऑफ एटम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन एटम, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किसको बोल रहे हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बताओ किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वॉल्यूम, ठीक है, याद रहेगा ना। इसलिए वॉल्यूम ऑफ एटम जो हो गया और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो इसका जो रेशियो कैसे आया 10^15, चलो अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो है 10^15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, तो चलो हम लोग निकाल के देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक बच्चों, एटम या न्यूक्लियस का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है, 4/3 × π × r³। और जैसा कि आप जानते हैं एटम की जो रेडियस होती है 10^-8 सेंटीमीटर होता है, तो इसका क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4/3 × π × r³। और ये न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, अच्छा ये तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, ठीक है, 10^-8 डायमीटर होता है, रेडियस नहीं, ठीक है ना, तो इसका हाफ कर दिए, और इसकी जो डायमीटर होती है 10^-13, तो इसका भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो पावर कितना, 3 हो जाएगा, होगा ना, 4/3 πr³। तो ये 4/3 π से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 10^-24/22 जा 4 2 जा 8, और यहाँ 10^-39/22 जा 4 2 जा 8। देखो इससे ये भी कट गया, तो ये 10^-24 में 10^-39 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 10^-24 + 39 हो जाएगा, तो 10^-39 में 24 जाएगा तो 15 बचेगा, क्लियर है ना। तो ये हो गया 15। अब समझ में आया ना, एटम का जो वॉल्यूम होगा वो न्यूक्लियस की वॉल्यूम का कितना गुना होगा, 10^15 गुना। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ आप एटम बोल सकते हो 10^15 × वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो ये काफी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट मिला किसके वजह से, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेक्टिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से, बात समझ रहे हो ना। चलो एक छोटा सा और बात हम लोग डिस्कस कर दे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है हाई स्पीड के साथ, किसके साथ, हाई स्पीड के साथ। तो चौथा पॉइंट याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज ऑर्बिट, इन क्लोज ऑर्बिट, ठीक है, विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। याद रखना इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो काफी हाई होती है, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है काउंटर बैलेंस करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में रख लेना, ठीक है, कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग
काउंटर बैलेंस, जैसे देखो ना हम लोग को काउंटर बैलेंस करता है ना, हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी काउंटर बैलेंस करता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, एंड द न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये मॉडल आप इतना पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये मॉडल जो है किस पे बेस्ड था, ये ऐसा लग रहा था कि ये हम लोग सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम, जहां पे न्यूक्लियस को क्या मान के चला था, जहां पे न्यूक्लियस को मान के चल रहा था क्या चीज, सन, न्यूक्लियस को क्या मान के चल रहा था, सन, ठीक है ना, न्यूक्लियस को क्या मान के चल रहा था, सन, SUN, सन, ठीक है, एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चल रहा था, प्लैनेट, ठीक है ना, न्यूक्लियस को हो गया सन और इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको मान के चल रहा था प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये कहानी थी इसके विषय में। अब देखो, अब हम लोग फाइनली रदरफोर्ड अल्फा एक्स का एक्सपेरिमेंट जान लिए, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस थे, इनका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, सारी चीज को जानने, अब इनका ड्रॉबैक भी जान लो, क्या था इनका ड्रॉबैक, ठीक है। चलो मैं इनके ड्रॉबैक पे बात कर रहा हूं, इसके बाद आज का क्लास कंप्लीट होगा, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो देखो इनका क्या क्या ड्रॉबैक रहा, तो सबसे पहला ड्रॉबैक रहा कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है ना, इट कुड नॉट, या ऐसा लिखेंगे, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन, अब आपके समझ में आ रहा होगा ये कैसे नहीं कर सका स्टेबिलिटी ऑफ एटम का एक्सप्लेनेशन, तो मैं बता रहा हूं, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। अब समझो इस स्टेटमेंट को, देखो हुआ क्या था ना कि अकॉर्डिंग टू जो मैक्सवेल थे वो स्टडी कर रहे थे इनके थ्योरी को, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यू एनर्जी को लॉस कर रहा है, ठीक है ना, रदरफोर्ड मॉडल के एटम को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि इनका मॉडल के अनुसार मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन लॉसेस इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब एनर्जी अगर कंटिन्यूअसली मान लो कोई लॉस करेगा तो क्या होगा कि यहां पे अगर मान लो न्यूक्लियस है तो ये इस तरीके से मान लो घूमते घूमते अगर एनर्जी काफी लॉस करेगा तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के समीप आते आते उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पता है ना, जैसे कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी और ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, तो ये क्या कह रहा है, मैक्सवेल ने स्टडी किया कि रदरफोर्ड का मॉडल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यू जो है एनर्जी को इमिट कर रहा है, इमिट करते 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 क्या हो जाएगा कि एनर्जी इसकी कम होती चली जाएगी और फाइनली वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा। अब खुद सोचो अगर न्यूक्लियस में समा जाएगा तो क्या होगा कि पूरा थ्योरी ही खत्म हो जाएगा, एटम क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था, क्लियर है ना, पहला इनका जो है ड्रॉबैक रहा था। अब देखो इलेक्ट्रॉन चूंकि एनर्जी अपना कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम जो होगा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक्चुअल जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के वजह से, क्या बोल सकते हो कि एटम में हम लोग जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग सॉरी लॉस ऑफ जो एनर्जी है बाय इलेक्ट्रॉन वो एटम में कंटिन्यूअस होना तो सही नहीं है, तो मोटा मोटी हमको लगता है यही एक ड्रॉबैक इनका जो रहा
ठीक है ना, कुल मिला के कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर एनर्जी कंटिन्यू इमिट कर रहा है तो वो उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और फाइनली वो न्यूक्लियस में समा जाएगा और एटम हाईली अनस्टेबल होगा और एटम का अस्तित्व जो है वो जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो मैक्सवेल का मैं नाम ले रहा हूँ, मैक्सवेल, ठीक है, इनका स्टडी रहा था इस मॉडल के प्रति, तो इन्होंने बताया इस पूरे थ्योरी को, तो जाके फिर इस थ्योरी में फिर आगे काम हुआ तो हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो है पहले हम लोग नेक्स्ट में हम लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कैसे फाइंड किया जाता है, इसके अलावा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसोटोन, ये सारे टॉपिक के विषय में हम लोग बातें करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कि ये रदरफोर्ड के बाद क्या कुछ हुआ। ठीक है, उससे पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चलेगा, ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेंगे, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी चलेगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जो है बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजों को सीखना है इस चैप्टर में और फाइनली फिर आना है हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल पे। तो आई होप आज आपको बेसिक बेसिक चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।